झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। आज धनबाद के सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में जयराम महतो ने आगामी विधानसभा के चुनाव में JLKM से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 6 विधानसभा सीट डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। डुमरी से जयराम महतो स्वयं प्रत्याशी बने हैं। और सबसे पहले डुमरी विधानसभा बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संघ के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहाँ के प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रतिराज होंगे। पूरे झारखंड राज्य से लगभग हमें 69 जो सीटें हैं वहाँ से आवेदन मिला है, तो ये तो तय मान के चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो, अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ने की संभावना देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। संसदीय बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है।